हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले, क्योंकि बहुत लोग वे प्रोटीन यूज़ करते हैं तो उनकी किडनी डैमेज हो जाती है, मतलब किडनी ख़राब हो जाती है। बहुत लोगों की यही क्वेश्चन है, हमारे घर में भी हमें वे प्रोटीन यूज़ नहीं करने देते कि उनको लगता है कि वे प्रोटीन यूज़ करने से हमारी किडनी ख़राब होती है। तो गाइज़, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन से वे प्रोटीन अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी किडनी ख़राब होंगी। तो गाइज़, मेरे फ्रेंड ने भी एक दो सप्लीमेंट इस टाइप से बाय किए हैं ऑनलाइन, तो बहुत लोगों को लगता है कि हम वे प्रोटीन अगर यूज़ करेंगे तो हमारी किडनी ख़राब हो जाएंगी। तो गाइज़, आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, सबसे मेन बात आती है कि अगर आप कौन सा वे प्रोटीन बाय कर रहे हो और सेकंड आप कहाँ से बाय कर रहे हो, तो डिपेंड करता है कि वो आपको प्रोडक्ट जेन्युइन दे रहा है, मतलब अच्छी क्वालिटी का दे रहा है, या फिर आपको सिर्फ नाम अच्छा है, मतलब पैकिंग उसकी अच्छी है, अच्छा ब्रांड है, और उसके अंदर आप देखोगे तो मतलब कुछ और ही उसने ऐड किया हुआ है। तो इस टाइप से अगर आप सप्लीमेंट अगर बाय करोगे तो उससे आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को, अगर आप फेक सप्लीमेंट अगर बाय करोगे तो काफ़ी सारे लोगों को इसके साइड इफेक्ट हो चुके हैं, जैसे कि फेस पे पिंपल आ जाते हैं। ये तो नॉर्मल है, फेस पे पिंपल आना वगैरह। अगर आप ज़्यादा हीट वाले अगर एग्स वगैरह खाओगे तो फिर भी आपके एग्स मतलब फेस पर आपके पिंपल्स आ सकते हैं। सप्लीमेंट का जो मेन काम है, जो फेक सप्लीमेंट है उसका जो मेन काम है, वो अपने जो इंटरनल ऑर्गन है उसको डैमेज करता है, जैसे कि हमारी किडनी, लीवर, तो इनको डैमेज करता है। तो ये सही नहीं है गाइज। अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन अगर डैमेज हो गए तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है आगे, किडनी स्टोन भी हो सकता है, किडनी डैमेज, लीवर डैमेज, बहुत सारे हमें इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को साइड इफेक्ट हो भी गया है, खास करके जो नए बंदे हैं जिनको पता नहीं रहता, नॉलेज नहीं रहता सप्लीमेंट के बारे में, तो वो शॉप पे जाते हैं, कोई भी सप्लीमेंट बाय कर लेते हैं, तो इससे काफ़ी सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो गाइस, मेरे भी फ्रेंड ने एक दो सप्लीमेंट बाय किए ऑनलाइन, तो आप देख सकते हो कि मैं आपको आगे एक दो वीडियो दिखाऊंगा कि मेरे फ्रेंड ने सप्लीमेंट बाय किया था। तो गाइस, ये इंडियन ब्रांड है, इंडियन मतलब ये वे प्रोटीन नहीं है, ये गेनर है, मेरे दोस्त ने ये बाय किया था। तो आप देख सकते हो कि इसमें हमने वाटर भी ऐड किया है, पर इसकी मिक्सेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि जब हमने इसको बहुत बार मिक्स किया है फिर भी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बबल रह चुका है। तो आप देखिए वीडियो को। देखिए गाइस, हमने इसको फिर से मिक्स किया है फिर भी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बबल्स बाकी है, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ये मिक्स नहीं हुआ है। आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे बबल्स ऊपर ही है, तो ये अच्छी क्वालिटी नहीं है वे प्रोटीन या फिर गेनर की, कोई भी सप्लीमेंट की। तो गाइस, मैंने उसे फिर से कहा कि भाई तू मुझे ग्लास में मिक्स करके बता, तो उसने ग्लास में भी मिक्स किया, फिर भी उसकी मिक्सेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। आप देख सकते हो फिर भी काफ़ी इसको मिक्स करने के बाद बबल्स फिर भी बाकी रह चुके हैं। तो ये वे प्रोटीन है गाइस, जो फर्स्ट मैंने आपको बताया था वो गेनर है और ये वे प्रोटीन है। तो इसकी भी क्वालिटी बहुत ही घटिया थी, आप देख सकते हो इसको मिक्स किया है पर इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। आप देख सकते हो कि इसमें भी बबल बबल अभी भी बाकी है, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हुआ है, जो कि अच्छी क्वालिटी का जो वे प्रोटीन रहता है उसमें एक भी बबल नहीं रहता है, उसमें जो सारे जो मतलब वे प्रोटीन रहता है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है वाटर के साथ। तो ये देखिए कि इसमें अभी भी बबल बाकी है, तो कितना भी मिक्स कर ले पर बबल बाकी रहते हैं। तो फिर मैंने उसे कहा कि फिर से तू एक बार मुझे करके बता, तो उसने फिर से किया, तो फिर भी मतलब कितना भी मिक्स करो, कुछ भी करो, कितना भी पानी डालो, बबल कुछ कम ही नहीं होते, मतलब जितना है उतना ही रहते बबल। तो गाइस, ये अच्छी क्वालिटी नहीं है वे प्रोटीन की। तो आप देख सकते हो कि मिक्सेबिलिटी से ही आपको पता चल जाता है कि कौन सा ओरिजिनल सप्लीमेंट है और कौन सा डुप्लीकेट सप्लीमेंट है। कुछ कुछ वे प्रोटीन की अगर आप वीडियो देखोगे मतलब डुप्लीकेट,
तो उसमें बबल वगैरह नहीं बनता है। पर उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही घटिया रहती है, मतलब इतना गाढ़ा भी नहीं रहता, बहुत ही लोकल क्वालिटी रहती है उसकी। तो आप देख सकते हो उसको बहुत बार मिक्स किया फिर भी इसके जो बबल्स है वो मिक्स होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो गाइस आप इस टाइप से अगर सप्लीमेंट बाय करोगे तो आपको 101% आपको इसके साइड इफेक्ट होंगे। बहुत सारे लोगों को इसके साइड इफेक्ट हो चुके हैं। तो गाइस आप ऑटेटिक सप्लीमेंट ही बाय कीजिए। तो जब आप मिक्स करोगे सप्लीमेंट तो उसके ऊपर थोड़ा बबल बबल टाइप रहता है, मतलब उसकी आप कितना भी मिक्स करो उसकी मिक्सेबिलिटी अच्छी नहीं होती है। तो उसमें दो ब्रांड है, एक है मैं उसका नाम नहीं लूँगा ब्रांड का, तो वो भी काफ़ी फेमस इंडिया का ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, और एक US का ब्रांड है। तो गाइज़ काफ़ी अच्छे ब्रांड है, एक इंडिया का ब्रांड है और एक US का ब्रांड है। तो गाइज़ आपको पता भी नहीं चलेगा कि डुप्लीकेट कौन सा, जो नए बंदे उनको पता नहीं रहता कि सप्लीमेंट किस टाइप से होता है, उसकी मिक्सेबिलिटी किस टाइप से होती है, उसकी टेस्ट किस टाइप से होती है, तो उनको मतलब वो ज़्यादातर फेक सप्लीमेंट खा लेते हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं सप्लीमेंट के बारे में, मिक्सेबिलिटी, उसकी टेस्ट, तो आप देख सकते हो। और गाइज मैंने एक फेक सप्लीमेंट के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मिल जाएंगे आपको आई बटन पे। आप देख सकते हो कि उसको अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये फेक सप्लीमेंट है, पर जब आप उसको मिक्सेबिलिटी करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना, मतलब उसकी मिक्सेबिलिटी बहुत ही 0% है, मतलब बहुत ही घटिया क्वालिटी की उसकी मिक्सेबिलिटी है। गाइस आपको जब कभी आप सप्लीमेंट बाय करोगे तो आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि उसमें जो स्क्रैच कोड रहता है वो आपको चेक करना पड़ता है, उसकी जो न्यूट्रिशन लिस्ट है वो आपको चेक करना पड़ता है, खास करके जो डुप्लीकेट सप्लीमेंट है उस पर स्पेलिंग मिस्टेक रहेंगी उस पर, तो आपको वो बारीक से देखना पड़ेगा। तो गाइस आप इस टाइप से फेक सप्लीमेंट आप चेक कर सकते हो, फेक सप्लीमेंट है या फिर जेन्युइन सप्लीमेंट है। उस पर स्क्रैच कोड भी आता है, आप वहाँ से भी स्क्रैच करके आप चेक कर सकते हो, या फिर आप जब उसकी मिक्सेबिलिटी चेक करोगे तब आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये फेक सप्लीमेंट है या फिर ओरिजिनल सप्लीमेंट है। तो बहुत सारे हमें इससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं फेक सप्लीमेंट के, तो आपको हमेशा ऑथेंटिक सप्लीमेंट ही बाय करना है। और गाइज हमारे इंडियन ब्रांड भी है जो कि बहुत ही कम प्राइस है और क्वालिटी भी उनकी काफ़ी अच्छी है, तो आप इंडियन ब्रांड भी यूज़ कर सकते हो। और गाइज मैं कुछ वे प्रोटीन की प्रोडक्ट की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से भी बाय कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, सप्लीमेंट खाइए, बॉडी बनाइए। जय बजरंगबली, जय हिंद।